हेलो गाइज, नमस्कार। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। यहाँ हम मैं आर के शर्मा, यहाँ हम इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कौन महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको पढ़ेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से जो क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वो भी निकालेंगे, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो उन क्वेश्चनों के अंदर की कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आईटी एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है सिंगल फेज मोटर। उस टॉपिक का नाम है सिंगल फेज मोटर। अगर हम सिंगल फेज मोटरों की बात करेंगे तो सिंगल फेज मोटरों के अंदर अगर सबसे पहली मोटर की बात करें, सिंगल फेज मोटरें निम्न छह प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक मोटर आती है जिसकी हम एक सबसे ज़्यादा बात करेंगे। सिंगल फेज के अंदर पहली मोटर की बात करेंगे उसका नाम है स्लिप्ड फेज मोटर। मैं आपको इसका डायग्राम वगैरह सब बना के दिखाऊंगा। तो स्लिप्ड फेज मोटर है, अगर हम उसके डायग्राम की बात करें तो उसके अंदर स्लिप्ड फेज मोटर में एक ये तो वाइंडिंग, और यहाँ घूमने वाला को बोलते हैं घूमने वाले भाग को रोटर, और इस वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, या इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं रनिंग रनिंग वाइंडिंग। इसको बोल सकते हैं हम रनिंग वाइंडिंग। और ये जो यहाँ से धारा बहती है ये आई एम मेन हो गया, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं इसको आगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें लो तो है रेजिस्टेंस और हाई होता है एक्सल। ये फिर अगर हम बात करें कि ये एक रोटर है, इसके अंदर कौन सा प्रकार का रोटर होता है, स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर। अब हम इसके बाद अगर इसकी बात करें, इसमें कि ये एक वाइंडिंग और होती है और ये एक रेजिस्टेंस लगा होता है और ये एक सीएफएस स्विच होता है। थोड़ा सा मैंने इसको क्या है बड़ा नहीं बनाया, इसको थोड़ा सा इस वाइंडिंग को मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे ये वाइंडिंग एक है पतली तार की, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ एक है सीएफएस स्विच। अगर सबसे पहले बात करूँ मैं इस सीएफएस, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। एक ये लगा होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और एक ये वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसको दूसरा नाम हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग कई बार ऐसे पूछा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है। इसके अंदर क्या होता है, हाई तो होता है रेजिस्टेंस और लो होता है एक्सल। यहाँ इसको सप्लाई मिलती है फेज पीएच न्यूट्रल। अब इस वाइंडिंग के अंदर जैसे एक यहाँ बहती है उसको बोलते हैं आई, ये जैसे आई धारा यहाँ गई और इसके अंदर जो गई धारा इसको बोलते हैं एस,
और यहाँ गई, इसको बोलते हैं एम। ये मेन वाइंडिंग में गई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में गई, तो इसको हम दे सकते हैं यहाँ आई एस और आई एम नाम। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट अगर आई एस है तो वहाँ बोल सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट, और जो आई एम है इसको बोल सकते हैं मेन वाइंडिंग करंट, और जो सी एफ एस होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब इसके अंदर आगे क्या बताया, जैसे मैंने कहा इसका जो डायग्राम है इस तरीके से होता है, इसमें दो वाइंडिंगें होती है, एक वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग बोलते हैं, बीच में जो रोटर है वो घूमता है, एक सीएफएस स्विच लगा रहता है, एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो अगर इस मोटर की बात करें कि ये मोटर करती क्या है, किस तरीके से वर्किंग करती है, किस तरीके से इसके अंदर होता है, तो अगर हम इस मोटर की बात करें, अगर इस मोटर की बात करें तो इन मोटरों में जो रोटर होता है वो तो होता है स्क्वायरल गेज प्रकार का होता है, जबकि स्टेटर पर दो वाइंडिंग की जाती है, जो स्टेटर होता है उस पर दो वाइंडिंग की जाती है। कौन कौन से स्टेटर पे दो वाइंडिंग करते हैं, जो कि आपस में कौन से क्रम में जुड़ी रहती है, समांतर क्रम में जुड़ी रहते हैं, जिसको हम पेरेलर बोलते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, श्रेणी और समांतर, समांतर क्रम जिसके अंदर क्या हुआ, जैसे अगर हम दो रेजिस्टेंस यहाँ समांतर क्रम में जोड़े, एक ये इस तरीके से जोड़ा, एक इस तरीके से जोड़ा, तो ये इन दोनों का क्रम कौन सा हो गया, समांतर क्रम। और सीरीज में जिसमें केवल एक ही मार्ग हो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। और अगर समांतर क्रम की परिभाषा दें, वह रेजिस्टेंस जिसके अंदर पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस से पहले सिरे से इस प्रकार जुड़े, उसको तो बोलते हैं समांतर क्रम। तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम इसमें आगे बात करेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी संरचना है वो इस तरीके से होती है। संरचना के अंदर मैंने आपको बताया स्टेटर पे दो वाइंडिंग, बीच में जो रोटर घूमता है, एक मेन वाइंडिंग बोलते हैं इसको, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, बीच में ये रोटर होता है, ये स्क्वायरल गेज प्रकार का रोटर होता है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके एक सीरीज में रेजिस्टेंस और एक सीएफएस स्विच लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है। जब क्या कहते हैं, जैसे अगर हम इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें, अगर हम इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, यह वाइंडिंग पतले तार की तो बनाते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतला तार, और जो लपेटों की संख्या है वो अधिक लेते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग में पतला तार, लपेटों की संख्या अधिक से बनाई जाती है, और इस वाइंडिंग को स्टेटर पर कम गहराई पर स्थापित किया जाता है। अंदर गहराई क्या होती है, कम, मतलब बाहर की साइड इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है, और इस वाइंडिंग का प्रतिरोध है वो तो क्या होता है, अधिक। आपको पता है कि प्रतिरोध अधिक कैसे हो गया, पतला तार हो गया, वो तार की लंबाई अधिक हो गई, तो प्रतिरोध की, अगर आपने प्रतिरोध का नियम पढ़ा होगा तो किसके, एल के समानुपाती होता है, क्योंकि प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, ये कहता है जितनी लंबाई अधिक होगी उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर आपने ये भी पढ़ा होगा आर समानुपाती एल अपॉन ए के, अगर उसका कटाक्ष क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अधिक हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मतलब भी मैंने आपको बताया। तो इससे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको हम पतले तार और अधिक टर्न पर बनाते हैं, पतले तार और अधिक लपेटों से बनाते हैं, और इस वाइंडिंग के स्टेटर पर कम गहराई पर स्थापित करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है, और इंडक्टेंस व रिएक्टेंस क्या रहता है, कम रहता है। अगर इंडक्टेंस और रिएक्टेंस होता है वो कम रहता है, यह वाइंडिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आती है। मोटर को 75% जब तक सप्लाई पकड़ लेती है, जब, कहने का मतलब है जब इसकी जो रनिंग है वो 75% तक हो जाती है, तो उसके बाद जो सीएफएस स्विच है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से इसकी सप्लाई को क्या कर देती है, ऑफ कर देती है। यह है सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग की आने की वजह, स्टार्टिंग वाइंडिंग में काम आने की वजह से इसे स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी या सहायक वाइंडिंग, ये वाइंडिंग कब तक काम करती है,
ये जब CFS स्विच के सीरीज इसमें लगा रहता है, ये वाइंडिंग तब तक ही काम करती है जब क्या है मोटर पूरी 75% गति नहीं पकड़ पाती है। जैसे ही ये गति पकड़ लेती है तो इस CFS स्विच की सहायता से इसकी सप्लाई क्या कर देती है, ऑफ़ कर देती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग काम आने की वजह से ही इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं या सहायक वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सहायक वाइंडिंग है। अगर हम इसके बाद अगर इसकी रनिंग वाइंडिंग की बात करें, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, अगर रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो रनिंग वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग इसको हम मेन वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कम होती है, और रिएक्टेंस या इंडक्टेंस है वो अधिक रहता है। यह मोटे तार व कम लपेटों से बनाई जाती है। मैंने आपको यही बताया कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये कैसे, ये चीज़ कैसे, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात की जाए तो ये हो गया, और अगर एक्सल की बात की जाए तो एक्सल बराबर 2πFL, एक्सल बराबर क्या हो गया, 2πFL हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी आई, ज़्यादा आई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हुई ना। तो इसी तरीके से ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये तो आपकी पड़ी होगी। तो अगर हम बाद में इसकी बात करते हैं रनिंग वाइंडिंग का, इसका प्रतिरोध की प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम, रिएक्टेंस या इंडक्टिव अधिक होता है, इसको मोटे तार से बनाते हैं, मोटे तार व कम लपेटों से बनाया जाता है और अधिक गहराई पर स्थापित किया जाता है, अंदर की साइड इसको स्थापित, आपने अगर पंखे की कभी वाइंडिंग देखी होगी उसी तरीके से इसको स्थापित किया जाता है। अगर हम इसकी आगे बात करें, आगे हम बात करें कि भाई इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो होती क्या है, इसका किस तरीके से, अगर अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें, अगर शॉर्ट रूप में स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात की जाए, तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस की क्या हो गई, वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो मैंने भैया इसको इस तरीके से निरूपित कर दिया, अगर आपको आता हो तो इस तरीके से, और एक्सल का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, कम हो गया। एल का मान कम हो गया तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम, फिर इसकी वैल्यू भी क्या, कम, तो इसका मान क्या हो गया, कम। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ, प्रतिरोध अधिक और इंडक्टिव रिएक्टेंस व इंडक्टेंस कम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रतिरोध अधिक, ये सिंबल इस तरीकों को बताता है, कई बार ऐसे पूछा भी जाता है, प्रतिरोध अधिक और इंडक्टिव रिएक्टेंस व इंडक्टेंस कम, ये इसकी खास बात है। अगर हम इसकी रनिंग वाइंडिंग की बात करें, हम इसके बाद इसकी रनिंग वाइंडिंग की बात करें, रनिंग वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, रनिंग वाइंडिंग को किसके नाम से, मेन वाइंडिंग। अगर हम इसके रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको ऐसे, और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाए, अधिक हो गया, इंडक्टेंस भी क्या हो गया, अधिक हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिरोध कम व इंडक्टिव रिएक्टेंस व इंडक्टेंस कम, इस तरीके से इसमें होता है। ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसके स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें, क्या स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें, तो इस जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो फुल लोड टॉर्क की तुलना में 1.5 से 2 गुना होता है। जो फुल लोड पे चलता है तो इसको हम कह सकते हैं फुल लोड टॉर्क की तुलना में 1.5 से 2 गुना इतना होता है।
अगर हम स्टार्टिंग टोरक के बाद स्टार्टिंग करंट की बात करें तो जो इसका करंट है वो भी क्या होता है, फुल लोड करंट की तुलना में छः से आठ गुना। अगर हम इसके पावर फैक्टर की बात करें तो इसका पावर फैक्टर 0.55 से 0.65 रहता है। अगर हम इसकी दक्षता की बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, तो इसकी दक्षता भी 60 से 65% तक होती है। अगर हम इसकी शक्ति क्षमता की बात करें कि कितनी क्षमता होती है, तो 1/20 से 1/2 किलोवाट तक होती है। कहने का मतलब है 50 वाट से 500 वाट तक है बनाई जाती है, 500 वाट से लेकर है 50 वाट तक है बनाई जाती है। अगर हम इसकी गति की बात करें कि इसकी जो रनिंग गति होती है वो कितनी सीमा कितनी होती है, तो ये 700 से 2875 RPM एलिवेशन पर मिनट पर घूमती है। अगर हम इसके गति परिवर्तन की बात करें तो इसका जो गति परिवर्तन है वो समायोजनीय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सभी स्क्वायरल केज मोटरों की गति है वो स्थिर या परिवर्तनीय नहीं होती, सिर्फ समायोजनीय होती है। क्या है? न तो इनकी क्या होती है, स्क्वायरल केज मोटरों की गति क्या स्थिर या परिवर्तनीय नहीं होती है स्थिर, और इनको कुछ है रूप में इसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ समायोजनीय होती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, क्या कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो इसके उपयोग का हल्के लोड में, जो हल्के लोड होते हैं वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और अगर दूसरी बात की इसकी किया जाए, हल्के पंखे में, ग्राइंडर में, ब्लोअर में, घरेलू फ्रिज में, तो जहाँ 250 लीटर, 200 लीटर तक के, 180 लीटर तक के फ्रिज आते हैं उनमें वो ग्राइंडर आते हैं, उनमें हल्के पंखे आते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब भाई इसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपने फिर से इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्लिप फेज मोटर है इसका डायग्राम इस तरीके से हो गया। मैं फिर से आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ और इसमें कुछ चीज़ें और बताता हूँ। तो जो इसका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि एक तो इसमें होती है रनिंग वाइंडिंग, जो क्या होती है मोटे तार और कम टर्न की, इसको हम मैंने आपको बताया रनिंग, इसको बोल सकते हैं रनिंग या मेन वाइंडिंग। इसके बीच में जैसे यहाँ मैंने बनाया एक है रोटर घूमने वाला, वो भी क्या है स्क्वायरल केज। एक यहाँ मैंने बनाई है आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और इसके एक CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा है, यहाँ इसकी सप्लाई जुड़ी हुई है। ये क्या हुआ, स्क्वायरल गेज के अंदर क्या होती है स्लॉट, जो तांबे की रिंगें डली होती हैं। तो इस तरीके का ये डायग्राम है। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ये 75% गति होती है तो इसको क्या कर देती है, ऑफ कर देती है। अगर हम इसकी बात करें डिग्री की, किस तरीके से इसके अंदर, और एक नए डायग्राम की बात करें कि इसका किस तरीके से इसका आरेख बनता है, अगर आरेख की बात करें तो इसका आरेख किस तरीके से बनता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे
तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये वाइंडिंग है, तो इसके बीच में कितने डिग्री के ऊपर हम कोण बनते हैं, अगर इसके अंदर धारा और खपत की धारा और वोल्टेज के बीच के अंदर एक आरेख बनाएं, तो इसके अंदर जो आरेख बनता है वो कहाँ तक जाता है, किस तरीके से तैयार होता है। तो जैसे जैसे आपने ये आरेख इस तरीके के आरेख देखे होंगे, तो उस आरेख के अंदर जब हम स्टार्टिंग के अंदर इसकी जो आरेख है वो कैसा होता है, और जो जब इस मोटर की संपूर्ण पूरी गति के अंदर इसको किस तरीके से ये आगे जाके बनता है, तो इन दोनों के ये बनता है हमेशा आई के बीच, अगर इसको यहाँ मैं आपको दर्शा रहा हूँ आई के बीच है, और VT और IR जैसे ये सपोर्ट हुई, तो इसके जी बीच में जैसे ही हम इसको बनाएंगे कि सिंगल फेज के अंदर जैसे मैंने इसको बनाया, तो इसमें ये और दो चीज़ें इस तरीके से बना दी जैसे। तो कहने का मतलब है शुरुआत में मोटर है वो स्टार्ट होगी, तो इसका डायग्राम किस तरीके से तैयार होगा। अगर इसी तरीके से इसके अंदर ये तो स्लिप फेज मोटर थी, और स्लिप फेज मोटर के अलावा जैसे इसके अंदर दूसरी मोटर की बात की जाए, तो वो होती है जैसे कैपेसिटर मोटर। जो कैपेसिटर मोटर है उसी का भी पूरा का पूरा जो विवरण है वो इसी तरीके से है। अगर हम दूसरी मोटर की बात करें इसमें, कैपेसिटर मोटर, अब ये जो कैपेसिटर मोटर होती है इसके ये तीन प्रकार की होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थाई कैपेसिटर मोटर, इसकी का दूसरा नाम है कैपेसिटर रन मोटर, और तीसरी होती है कैपेसिटर रन मोटर। अब इसके डायग्राम की बात करें, तो जो कैपेसिटर मोटर होता है इसके अगर हम डायग्राम देखेंगे तो इसी तरीके से ये होता है, ये देखो इसकी वाइंडिंग, इसमें लो तो होता है रेजिस्टेंस और हाई होता है अक्सर, इसी तरीके से इसमें वाइंडिंग होती है, ये कौन सी, बस इसमें क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है, ये सप्लाई, ये बीच में घूमने वाला रोटर, वो भी कैसा स्क्वायरल गेज, ये कैपेसिटर मोटर का डायग्राम है। कई बार इसमें पूछा जाता है कि रनिंग वाइंडिंग है वो कौन से तार की बनाई जाती है, पतले तार की या मोटे तार की, उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है या कम होता है। कई बार पूछा जाता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके कैपेसिटर मोटर के अंदर कितने माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगा रहता है, कौन सी मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करें तो, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करें तो उसके अंदर कितने माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगाता है, वो CFS कौन से क्रम में लगाया जाता है, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बात करें कि यदि ये मोटर है ये स्लिप फेज मोटरों की तरह ही इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कुछ जुड़े प्रतिरोध की जगह क्या लगा देते हैं, उसमें जैसे जो हमने स्लिप फेज मोटर पढ़ी तो उसमें यहाँ रजिस्टेंस लगा हुआ था, तो हमने इसकी जगह इस रजिस्टेंस में क्या लग गया, कैपेसिटर लग गया, तो कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार ये बनी मोटरें होती है ये कैपेसिटर मोटरें कहलाती हैं। ये निम्न जैसे तीन प्रकार की मोटरें होती हैं जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। कैपेसिटर मोटर का अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो एक तो होती है कैपेसिटर स्टार्ट, अगर दूसरी की बात की जाए तो स्थाई, जैसे पंखा कैपेसिटर क्या करते हैं, निकालते हैं थोड़ी हम लगा रहते हैं इसको, स्थाई कैपेसिटर मोटर। अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो कैपेसिटर रन मोटर। अगर तीसरी मोटर की बात की जाए इसी में, तो हम उसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तीसरी मोटर की बात की जाए तो हम इसको बोलते हैं कैपेसिटर रन मोटर। तो
अगर हम आगे इसमें बात करेंगे, जैसे ये तीन प्रकार की मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर, स्थाई कैपेसिटर, तीसरी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगर हम इसके डायग्राम की बात की जाए, जैसे मैंने इसका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ये डायग्राम बनाया, तो जो इसमें जो कैपेसिटर लगे रहते हैं उसमें बस चेंजिंग आ जाती है, और बाकी इसमें कुछ किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती। बाकी क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर जो स्थाई कैपेसिटर होती है दूसरी मोटर, इसके अंदर CFS स्विच नहीं लगा रहता है, इसके स्थान पे एक परमानेंट हम 2.5 माइक्रोफेड का एक कैपेसिटर है वो लगा देते हैं, और कुछ भी नहीं इसमें नहीं लगाते हैं। और जो तीसरी मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, उसमें दो प्रकार के कैपेसिटर लगा देते हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं कि एक तो CFS स्विच के साथ एक कैपेसिटर लगाते हैं, और एक इस वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं, और एक दोनों के सीरीज में लगाते हैं। इस तरीके से इसको स्टार्टिंग करते हैं। तो इस मोटर, ये जो कैपेसिटर मोटर है, ये हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण मोटर है। तो जो ज़्यादातर मोटरों के अंदर सिंगल फेज में काम आती है, वो कैपेसिटर मोटरें बहुत सारी काम आती हैं, इनका उपयोग किया जाता है। अगर हम आम जीवन की बात करें, तो सबसे पहली मोटर, अगर हर घर के अंदर पंखे का उपयोग होता है, तो इसमें एक स्थाई कैपेसिटर मोटर है, उसका उपयोग किया जाता है। स्थाई कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। हम इसके बारे में पूरा का पूरा अच्छे से विवरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज तो मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि जो कैपेसिटर मोटर होती है, जैसे इसमें CFS स्विच की बात की जाए, जैसे ये लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसमें तो लगा रहता है, उसमें तो काम आता है। और जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर होती है, उसमें भी CFS स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम आता है। लेकिन जो स्थाई कैपेसिटर मोटर होती है, इसमें जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसका स्थाई कैपेसिटर का पंखा। तो आपने कभी पंखे के अंदर देखा होगा कैपेसिटर के अलावा CFS स्विच नहीं देखा, तो इसमें जो स्थाई कैपेसिटर, इसमें CFS काम में नहीं आता। अगर हम इसके बाद हम बात करें कि जो कैपेसिटर होता है वो कौन कौन सा यूज होता है, जैसे इसमें जो कैपेसिटर लगाते हैं, तो जो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, इसमें ज़्यादातर जो ये अस्थाई कैपेसिटर है, क्या है अस्थाई, इसमें अस्थाई तौर पे 80 माइक्रोफेरेड, इसकी जो रेटिंग आती है वो किस में आती है, माइक्रोफेरेड में, 80 से 120 माइक्रोफेरेड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसको हम क्या करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के, देखो यहाँ ये स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें किस में जुड़ा है, सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। अगर हम दूसरी मोटर की बात करें, स्थाई कैपेसिटर मोटर की, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड है, 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो परमानेंट लगाता है, इसका उपयोग किया जाता है पंखे में। 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का पेपर या ऑयल कैपेसिटर या बिना CFS स्विच वाला किस में लगा रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। अगर हम बात करें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में एक तो 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर तो स्थाई कैपेसिटर होता है, वो तो सीरीज जो कैपेसिटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ता है, और एक दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं 10 से 20 माइक्रोफेरेड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाते हैं, तो उसको हम SW के CFS के श्रेणी में लगाते हैं इसमें, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसमें काम में लिया जाता है। अगर हम इसके बाद इसकी बात की जाए PF की, पावर फैक्टर, तो इन मोटरों में सबसे अच्छा पावर फैक्टर है वो स्थाई मोटर का होता है, स्थाई कैपेसिटर मोटर का होता है, जो 0.8 से 0.95 तक होता है। और अगर पहली मोटर की बात की जाए, कैपेसिटी स्टार्ट मोटर की बात की जाए, तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.65 से लेकर 0.75 तक होता है। वो स्थाई कैपेसिटर की बात की जाए तो 0.8 से 0.95 होता है। और कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की बात की जाए, तो इसका भी पावर फैक्टर है वो 0.90 होता है। तो इनका जो पावर फैक्टर है वो बहुत ही अच्छा होता है।
इसके बाद अगर हम इसमें पावर रेटिंग की बात करें तो पावर रेटिंग है वो इसमें स्थाई कैपेसिटर में पावर रेटिंग है वो 1/20 से लेकर 3/4 किलोवाट तक आती है। और अगर हम कैपेसिटी स्टार्ट मोटर की रेटिंग की बात की जाए तो 0.1 से लेकर 0.75 किलोवाट तक रखी जाती है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर रनिंग वाइंडिंग क्या है, दिशा, स्टार्टिंग वाइंडिंग पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटर मोटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंसी मोटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण मोटर है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाए हुए पड़े हैं हमारे पास है, और इन क्वेश्चनों के ऊपर हम हल करेंगे। और इस मोटर से हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो छोटे छोटे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कि भैया इसका जो रोटर है वो कैसा होता है, रनिंग वाइंडिंग है वो कौन से तार की बनाते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन से तार की बनाते हैं, CFS स्विच है वो कैपेसिटर की कौन सी मोटर में लगता है, कौन सी में नहीं लगता, कितने माइक्रोफेड का लगता है, कितने माइक्रोफेड का नहीं लगता, तो ये सब की सब चीज़ें हैं वो पूछी जाती है। तो हम पार्ट टू वीडियो के अंदर यहाँ इस मोटर की पूरी चर्चा करेंगे, और जो अंत लास्ट में इनके क्वेश्चन है वो बनाए हुए हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चनों के ऊपर भी जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपका ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद। और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, इसका पार्ट 2 वीडियो है वो जल्दी ही बनाया जाएगा, और पार्ट 2 वीडियो के अंदर आपको पूरे अच्छे से डायग्राम बना के, तीनों के अलग अलग डायग्राम बना के समझाया जाएगा। तो आपका सभी का धन्यवाद।